संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता है, इसलिए कहा गया है
वो चार छोटी छोटी पतली पतली रस्सियां थी तो कोई भी तोड़ सकता है, और जब उन चार रस्सियों को जोड़ दिया गया एक रस्सा बन जाता है, और फिर वो रस्सा उसे फिर हाथी जैसे बलशाली प्राणी को भी बांध दिया जाए तो वो भी नहीं तोड़ पाता है, वो भी कोशिश करता रह जाता है। और छोटी रस्सी से अगर बांध दो तो वो वैसे ही एक हाथ पैर हिलाएगा और फिर टूट जाएगा। एकता में बहुत शक्ति होती है, यदि वे रस्सियां अलग अलग हो जाए तो आसानी से कोई भी अलग कर सकता है। हमारे धर्म में अगर चार भागों में हम बट गए हैं तो हमारे धर्म में कोई भी विघ्न बाधा पैदा कर सकता है, और अभी कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमारे धर्म में चार भागों में चार रस्सियां बांध दी, अलग अलग बांट दिए, एक दिगंबर रस्सी एक श्वेतांबर रस्सी है, उनमें भी रस्सियों की भी दो दो भेद कर दिए, एक 13 पंथी 20 पंथी कर दिया, एक थानक वाले एक मूर्ति पूजक कर दिया। अभी और कमी रह गई तो और अभी चलती जा रही है, उन रस्सियों को अलग अलग करते जा रहे हैं और वो अलग अलग बनती जा रही है। एक चौड़ी पट्टी वाले हो गए, एक लंबी पट्टी वाले हो गए, और उसमें भेद कर दिया, एक तारक स्वामी हो गए और एक कांजी पंथ वाले हो गए। पता नहीं और अभी कितनी रस्सियां निकलेंगी। अगर ऐसी रस्सियां हम निकालते चले गए तो वो रस्सियां कोई भी तोड़कर फेंक देगा, कोई भी आएगा छोटा सा बच्चा भी आकर तोड़ के फेंक देगा उस रस्सी को, यदि वो रस्सी एक साथ जुड़ जाए और सभी जैन धर्म के अनुयायी बन जाए, महावीर के भक्त बन जाए, तो उनको कोई तोड़ नहीं सकता, उनको कोई नहीं अलग कर सकता है। आज हमारे देश में हमारी जैन समाज 25% टैक्स देती है, पूरी भारत की आबादी में सबसे अधिक टैक्स यदि आता है वो जैन समाज से आता है। सरकार सोचो, केवल जैन समाज, इतनी सी जैन समाज कहते हैं ना कि बराबर जैन समाज है, और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली जैन समाज है, सबसे ज्यादा शिक्षित यदि कोई है तो जैन समाज, अनुमान लगाओ, अनुपात लगाया जाए सबसे ज्यादा वही है। हम अलग अलग हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते। अगर एक हो जाए तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। जिस समय विदेशियों ने हमारे देश में घुसपैठ की थी ना, तो उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी रियासतों के पास आपसी झगड़े थे, वैमनस्यताएं थी, इसलिए उन्होंने एक सूत्र अपनाया, यहां पर आकर फूट डालो राज करो, बस नीति के द्वारा देश को परतंत्र कर दिया। फूट अच्छी नहीं होती। आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव कहते थे कि यदि फूट को खेत में बो दी जाए तो सारा खेत खराब हो जाएगा, सारा खेत खराब हो जाएगा, उसकी बेले सारे खेत में फैल जाती हैं, जिससे अन्य कोई भी फसल उसमें पुष्पित नहीं हो सकती, पल्लवित नहीं हो सकती, खेत में खिल नहीं सकती है, खेत में फैल ही नहीं सकती है। सोचो, खेत की फूट खेत को खराब कर देती है, खेत की फूट खेत को खराब कर देती है, और घर में यदि फूट हो जाए तो वह घर तहस नहस हो जाएगा। रावण विद्वान राजा था, लंका का राजा, विद्वान, सारी उपलब्धियां थी, उसकी अक्षौणी सेना थी, युद्ध चल रहा था राम रावण से, तो कभी लक्ष्मण रावण से युद्ध कर रहे थे। कितनी बार लक्ष्मण कहते हैं रावण बड़ा शक्तिशाली है, पराजित नहीं हो सकता। एक दिन विभीषण राम की शरण में आए और रावण ने अभिमान के कारण विभीषण को निकाला था, वो विभीषण राम की शरण में पहुंच गए। दिन भर युद्ध चला, संध्या काल में युद्ध बंद हो गया, शत्रु भी हो तो वह भी शत्रु को छिपकर वार नहीं करता, छिपकर नहीं मारता, छल कपट से नहीं मारता। युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, नीति होती है, और नीतियों को ध्यान में रखते हुए युद्ध लड़ा जाता है। समय पर युद्ध बंद हो गया, विराम हो गया, तो फिर कोई किसी को मारता नहीं। जब तक संग्राम भूमि में युद्ध का संग्राम ना हो तब तक युद्ध प्रारंभ नहीं होता है। रात्रि के समय सेना के व्यक्ति दूसरे सेना में मलम पट्टी करने चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। न्यायिक पद्धतियां थी। विभीषण राम दल में शामिल हुए, संध्या के समय
सभी राम के सम्मुख बैठे हुए थे। इतना युद्ध होने पर भी रावण पराजित नहीं हुआ, सभी लोग बड़े चिंतित थे। तो विभीषण ने कहा, रावण पराजित होगा भी नहीं। तो सब लोग कहते, क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास एक ऐसी विशेष शक्ति व सिद्धि है। राम ने सोचा, हाँ यही तो मैं सोच रहा था कि आखिर रहस्य क्या है, इतना युद्ध होने के बाद भी रावण पराजित क्यों नहीं हो रहा। विभीषण सोचता है कि एक ओर न्याय देती है और दूसरी ओर समर्पण और धर्म है। एक तरफ न्याय नीति बता रही है और एक तरफ समर्पण और धर्म है। न्याय नीति कहती है कि पक्ष किसका देना चाहिए, भाई का देना चाहिए। न्याय नीति कहती है कि पक्ष भाई का रखना चाहिए। धर्म व समर्पण कहता है कि पक्ष राम का रखूं, जो भी हो उसके प्रति समर्पित हुए हैं उसी का पक्ष रखना चाहिए। अब क्या करें? ऐसा सोच भी रहस्य प्रकट करते हुए कहते हैं, रावण की नाभि में अमृत है। विभीषण वो भेद था, वो भेद बता देते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है, उसकी 10 भुजाएं हैं, एक टूटेगी तो दूसरी तैयार हो जाएगी, तीसरी टूटेगी चौथी तैयार हो जाएगी, आप उसको मार नहीं पाएंगे, आप उसको मार नहीं पाए, एक बाण बस नाभि में चलाओ तो वह शुष्क हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा, राम आपके चरणों की प्रतिज्ञा करता हूं, रावण को पराजित करके ही मुख दिखाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की। और दूसरे दिन लक्ष्मण के युद्ध में रावण को धराशायी कर दिया, लक्ष्मण ने धराशायी कर दिया हमारे जैनागम के अनुसार। और फिर लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया। यद्यपि विभीषण ने न्याय का पक्ष लिया था, फिर भी कुल कलंकी के नाम से जाना जाता है, यही नाम उसका फेमस हुआ। क्यों? उसने अपने ही घर में घर का वेदी लंका ढाया, इसीलिए तो ये कहावत बनी थी। कहावत इसलिए बनी थी, ये घर का ही वेदी होता है। कोई भी अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता, पिता ये कौन रखता है? कोई रखता है? कोई अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता, कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता, कोई अपने बेटे का नाम कुंभकर्ण नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? कोई रखता ही नहीं। कोई अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखता, कभी कोई नहीं रखता है। शायद कोई ऐसा गाँव है भारत में जहां किसी के रखे जाते होंगे, ऐसे गाँव में ऐसे नाम भी रखे जाते होंगे। घर का वेदी लंका था, लोग विभीषण शब्द को कुल कलंक करने वाला कहते हैं। भेद कहीं का भी हो, भेद व्यक्ति को तोड़ देता है। चार प्रकार के न्यायों में न्याय होते हैं, चार प्रकार के, उसमें एक भेद नीति होती है। जब कोई सेना कमजोर होती है तो भेद नीति अपनानी पड़ती है, भेद नीति अपनाते हैं। साम, दाम, दंड और भेद, ये चार नीतियां युद्ध की। साम, दाम, दंड, भेद, इन चार प्रकार की नीतियों में अंग्रेजों ने एक नीति को अपनाई, चौथे नंबर की नीति को, फूट डालो राज करो, बस ये नीति अपना ली। अंग्रेज लोगों में फूट डाल करके राज छीन लेते थे। इसका कारण हमारे अंदर प्रेम व्यवहार नहीं, हम छोटी छोटी बातों पर आग में गुलाब हो जाते हैं, जवाब सवाल करते हैं। यही आपसी संगठन को कमजोर करने की एक जड़ होती है, जो पहले जड़ हिलाई जाती है, हमारे अंदर गंभीरता नहीं रह पाती है। घर घर में विवाद खड़े हो जाते हैं, व्यक्ति सोचता विचारता भी नहीं है, प्रतिउत्तर चलते हैं, प्रतिउत्तर देने लगते हैं, बाद में हाथापाई हो जाती है। पहले प्रतिउत्तरवाही होती है, उत्तर वही उत्तर, एक बोलता दूसरा बोलता, मुख से लड़ाई होती है, इतने में काम नहीं चला तो हाथापाई, हाथों से लड़ाई होने लगती है, और हाथापाई से काम नहीं चला तो दंडा दंडी, एक दंडा दंडी निकल आते हैं, और फिर प्राण लेवा बन जाते हैं। जब भी किन्हीं गृहस्थों के बीच में बैठते हैं, सुनते हैं भाई भाई का झगड़ा है, तो कहीं बेटा पुत्र का झगड़ा, बेटे का झगड़ा है, कभी नंद भौजाई का झगड़ा है, कभी चाचा भतीजे का झगड़ा है, कभी मामा भांजे में भी लड़ाई झगड़ा हो जाती है, माँ बेटा को
कहीं देवरानी निकाली तो कभी सास बहू जहां देखो कौन झगड़े कितने होते हैं। हम झगड़े निपटते ही तो फिर साधुओं के पास आते हैं मन खाने के, इसलिए हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे कितने झगड़े चल रहे हैं समाज में, कहाँ कहाँ झगड़े चल रहे हैं। बात हम लोग को पता तो चल जाते सब लोग, जो किसी को नहीं बताओ वो बातें हम लोगों को साधु को पता चल जाती है। और श्रावक भी बड़े आसान तरीके से आकर बता देता, क्यों? इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा है, वो साधु किसी और से नहीं कहेंगे, इतना विश्वास तो है। इसलिए वो अपनी गुप्त बातों को भी जो किसी से नहीं कह सकते वो साधु के पास आकर उजागर कर लेते हैं और उस बात का प्रायश्चित भी ले लेते हैं। यदि कोई उनके द्वारा जीवन में कोई गलती हो जाती है, उस गलती को साधु के पास आकर समर्पण भाव से उनको बता देते हैं कि गुरुदेव इतनी जीवन में मेरे पास मेरे से आपकी गलती हुई थी, उसका प्रायश्चित मुझे आज नहीं आज लेना है, क्योंकि वो बात मेरे जीवन में हमेशा खटकती रहती है, तो वो प्रायश्चित ले लेते हैं। घर घर में झगड़ा है, हर घर में लड़ाई झगड़ा है, वहां हर्ष व आनंद समाप्त हो जाता है। जहां पर झगड़े होते हैं, घर के झगड़े बाहर होते हैं, तो पड़ोसी आनंद मनाता है, पड़ोसी देखकर खुश होता है, चार लोगों के बीच हंसी कराता है। घर की बात घर में रहने दो, बाहर मत लाओ, जब बाहर लाओगे तो बाहर वाला हंसेगा। अपनी बात को बाहर कभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, पड़ोसी को तो बिल्कुल नहीं बताना, पड़ोसी को बिल्कुल नहीं बताना। घर के झगड़े बाहर नहीं, अभी तो घर के लोग ही समाप्त कर सकते हैं, कहीं बाहर मत ले जाओ, ऐसे कदम उठा सकते हैं कि झगड़े ही ना हो, कदम उठाओ कि झगड़े हो ही ना। सहनशीलता, गंभीरता रखें, एक पक्ष गर्म है तो दूसरा नरम हो जाए, ठंडा हो जाए। ठंडा माहौल होने पर विवाद नहीं होते, एक व्यक्ति ठंडा हो जाए तो फिर विवाद नहीं पड़ते हैं, वो विवाद वहीं पर शांत हो जाता है, समन हो जाता है। एक पक्ष गर्म हो तो दूसरा भी गर्म हो जाए तो क्या होगा, गर्म प्लस गर्म क्या बन गया, गर्मा गर्म। क्या हो गया, गर्म प्लस गर्म, बोला गर्मा गर्मी में विसंवाद और बढ़ जाते हैं। जब दोनों पक्ष गर्म हो जाए तो गर्मा गर्मी हो जाती है। अपने जीवन में कीमत धन दौलत मकान की, कुटुंब परिवार की उतनी नहीं है जितनी की प्रेम वात्सल्य और स्नेह की है। आपसी प्रेम वात्सल्य और स्नेह है, उसकी कीमत है। यदि आंखों में प्रेम है तो छोटे बच्चे भी दौड़कर गोदी में आकर बैठ जाते हैं, जानवर भी मालिक के पास दौड़कर आस पास पैरों के पास खेलने लग जाते हैं। दृष्टि अच्छी नहीं है तो गोद में बैठे बच्चे भी सहम जाते हैं, डर जाते हैं, कांप जाते हैं, अगर आपकी दृष्टि अच्छी नहीं है। अगर गुस्से की दृष्टि से बच्चे को देखो वो बच्चा डर जाएगा, पता नहीं किसकी गोदी में आ गया और रोने लग जाएगा। चहल पहल समाप्त हो जाती है। जब घर का व्यक्ति घबराता है तो पड़ोसी की क्या कहे, प्रेम व स्नेह, प्रेम स्नेह करुणा दया, समझो प्रेम व स्नेह करुणा व दया ये हमारे अंदर ही उत्पन्न होती है, ये सब हमारे अंदर ही, कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं बाहर नहीं मिलती है, ये कहीं बाजार में मार्केट में दुकान में कहीं मिलती हो, नहीं है, तुम्हारे पास ही। दयालु का सारा वातावरण दया से भीग जाता है, दयालु को देख लोगों का डर भय शत्रुता सब समाप्त हो जाती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति सामने से नजर आ जाए, भगवान महावीर स्वामी जब उन्होंने दीक्षा ली तो वहां जहां भी वो वनों में विचरण करते थे, जहां भी विहार करते थे, तो वहां के जन्म जात के बैरी जानवर भी साथ में आकर बैठ जाते थे। शेर गाय एक घाट पर पानी पीते, शेर का बच्चा गाय का और गाय का बच्चा शेरनी का दूध पीता। मंदिरों में मैं देखता हूँ चित्र बना रहता है शेर गाय, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं इसके आगे भी देखा होगा, मंदिरों में पाषाण पर बने रहते हैं, उसमें शेर गाय बनी रहती है और शेर गाय का बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे का दूध पीते हैं, इतना वात्सल्य हो जाता है। एक बार मैं ऐसे ही निकल रहा था तो मैंने चित्र को देखा और मैंने इससे पूछा, मैंने भैया एक बात बताओ हमने कौन सा चित्र बनाया, बोले शेर गाय का चित्र है।
अच्छा तो क्या हो रहा है? बोले कितना वात्सल्य, शेर का बच्चा गाय का दूध पी रहा है, गाय का बच्चा शेर का दूध पीता है। हमने की बहुत अच्छे, हमने शेर का दूध होता है कभी? बताओ, शेर का दूध होता है क्या? शेर का दूध कैसे पीता है? बोले नहीं, शेर नहीं का तो हमने बनाया तो शेर। देख लेना कहीं भी चित्र बनते हैं तो बनता किसका चित्र है? शेर का चित्र बनता है, शेरनी का कोई चित्र नहीं बनाता। शेर का दूध पी रहा है, शेर का दूध कैसे पिएगा भाई? गाय तो बनी है, गाय तो सही बनी है, लेकिन दूसरी तरफ क्या बना है? शेर बना है, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के बाल नहीं होते। बनाया क्या जाता है चित्र? शेर बनाया जाता है। महावीर भगवान का वात्सल्य इतना था कि शेरनी और गाय के बच्चे आपस में एक दूसरे का दूध पी रहे हैं। सांप होने वाला जन्म जात के बैरी है, वो एक साथ बैठकर भगवान की शरण में बैठे हैं। ये उनके हृदय की नम्रता थी, ये उनके हृदय की करुणा थी, ये उनके हृदय का दया प्रेम का प्रतीक था, इसलिए चारों ओर के वातावरण में प्रेम ही प्रेम फैल जाता, प्रेम ही प्रेम झलकता था। जहां सीता जी वृक्ष के नीचे बैठती थी तो उसके चारों ओर जान पर आकर बैठ जाते थे, ऐसा वर्णन पढ़ने में आता है। सीता जी पूछा, सीता जी से पूछा गया ऐसा क्यों? तो वे कहती है राम जी से पूछो। राम जी से पूछते हैं कि प्रभु बताओ, जिस वृक्ष के नीचे सीता जी बैठती हैं, उस वृक्ष के पास आकर के सारे जानवर क्यों बैठ जाते हैं? तो राम कहते हैं सीता का प्राणी जगत से प्रेम है, कभी कोई दुखी दिखता है तो उसकी मलम पट्टी करती है, उसके प्रति दया करुणा वात्सल्य दिखाती है, सभी जीवों प्रति दया। हमारे देश के नेता जो सब लोग कहते हैं चाचा नेहरू, चाचा नेहरू भी जहां भी बैठते उनके कंधे सिर पर आकर के एक पक्षी बैठ जाता था, कबूतर तोते बैठ जाते थे, ऐसा सुना है, देखा तो हमने नहीं, बैठ जाते थे। जिन्होंने देखा होगा तो शायद हो सकता हो वो ऐसा तो पक्षी आकर बैठ जाता था। ऐसे व्यक्तित्व धनी थे कि बच्चों से प्यार करते थे, इसलिए बच्चों के नेता कहलाते थे। जब स्कूल जाते थे तो बच्चों के साथ खेलने लगते, बच्चों की पीठ पर बिठाकर घोड़ा बन जाते थे, एक भी एक दया प्रेम, जो दया नाम का गुण है प्रेम है वो उनके अंदर था, इसलिए लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे, लोग जुड़ जाते थे। आज के समय में प्रेम शब्द का अर्थ ही बदल गया, क्योंकि उसका प्रयोग गलत अर्थों में करने लगे। कबीरदास जी का दोहा आता है, कबीरदास जी कहते थे पढ़ पढ़ पोथी मन मुआ, पंडित भयाना कोई, पढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। जिसके हृदय में प्रेम हो वह पंडित माना जाता है, पर पंडित माना जाता है। कभी ने यहां पर केवल अभी पहला चरण पहली पंक्ति ही बोल रहा है, और पहली पंक्ति में कहा फैले प्रेम परस्पर जग में, आपस में प्रेम फैलना चाहिए। जिसके अंदर में प्रेम हो वह पंडित माना जाता है। सच्चा ज्ञानी कौन है? वह है जो दूसरों के कष्टों को देखकर अंदर से भीग जाए, वह पंडित, वह विद्वान है, धर्मात्मा, उसको कहा गया वह पंडित है, विद्वान है, धर्मात्मा भैया। मीरा में प्रेम, मीरा में प्रेम, आराध्य के प्रति भक्ति थी, उस भक्ति का नाम ही प्रेम था। आराध्य के प्रति, जिसको आराध्य मानती थी उस आराध्य के प्रति प्रेम था। प्रेम यानी भक्ति, वे श्री कृष्ण की भक्ति स्नेह से करती थी। प्रेम शब्द खराब नहीं था, अभी तो अच्छा था। धीरे धीरे उसको गलत रूप में उसका प्रयोग प्रारंभ हो गया। गाय का बछड़े का उदाहरण मिलता है वात्सल्य के रूप में, कि गाय बछड़े से प्रेम करती थी, और वात्सल्य का उदाहरण आता तो वात्सल्य करती थी, और वात्सल्य से उस पर अपना सब कुछ निछावर करती थी। गाय पर बछड़े का वात्सल्य, शास्त्रों में उदाहरण देख लेना, जितने
इंसान से मिलते हैं। अगर वात्सल्य का कोई उदाहरण आएगा तो गौ वस्त्र का उदाहरण आएगा, गौ और उसके बच्चे का उदाहरण आता है। वात्सल्य में सम्यक दृष्टि के अंदर धर्मात्माओं के प्रति अंतरंग प्रेम होता है। कौन सा प्रेम? वात्सल्य का। जो धर्मात्मा होता है साधर्मी होता है, एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को देखता है तो बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है, पर अंतरंग प्रेम है। धर्मात्मा के कष्ट को देखकर दूसरा धर्मात्मा पिघल जाता है और जितना बन सकता है उसकी सेवा करने में तत्पर हो जाता है। आने वाले 2-3 दिन में कौन सा पर्व आ रहा है? रक्षाबंधन। कितनी तारीख को है? 19 तारीख, जिसमें एक धर्मात्मा का दूसरे धर्मात्मा का वात्सल्य परस्पर प्रेम का निरूपण है, ऐसा वो पर्व रक्षाबंधन पर्व एक महान पर्व त्योहार है, जो वात्सल्य पर्व के नाम से जाना जाता है। अकंपनाचार आदि 700 मुनियों पर आदि भीषण जो उपसर्ग का निवारण करने वाला कोई था तो विष्णु कुमार मुनि, जिन्होंने अपने रत्नित धर्म की परवाह नहीं की और दिगम्बरत को छोड़कर भी उन मुनियों की रक्षा के लिए तत्पर, यह उनके अंतरंग का वास्तव था। उनसे कोई रिश्ता थोड़ी था, गुरु भाई थोड़ी थे, शिष्य गुरु शिष्य थोड़ी थे, लेकिन अंतरंग से वात्सल्य था। उस अंतरंग से वात्सल्य को उत्पन्न करके और उन्हें उस अवसर को दूर करने का भरपूर प्रयास किया। वात्सल्य प्रेम भक्ति की परीक्षा प्रतिकूल परिस्थिति में होती है, अनुकूल स्थिति में कोई परीक्षा नहीं होती। प्रतिकूल परिस्थिति में परीक्षा होती है जब संकट आए, धर्मात्मा पर कष्ट आए और आपका हृदय पिघल जाए तो समझ लेना कि आपके अंदर वात्सल्य भाव है और आप सच्चे धर्मात्मा हैं। अगर आपका हृदय पिघल जाता है तो एक बार की बात है, साधु संघ सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में था, सभी 24 के मंदिर में बैठकर के सामायिक कर रहे थे गुरुजी का आचार सेवा। उस समय वातावरण ठंडा था, सभी ने कहा यही सामायिक करेंगे। पहाड़ पर सब लोग बैठते थे और बाहर की छत पर ध्यान करते थे। रात्रि में लगभग 12-1 बजे हुए, बीच में वर्षा प्रारंभ हो गई तो घर घर में लोगों को चिंता हो गई कि हमारे मुनिराज जंगल में हैं, वहां क्या होगा, क्या हो रहा होगा। लोगों ने घर से पहाड़ 6 किलोमीटर दूरी पर, वहां पर बस्ती है तो 6 किलोमीटर दूर था। लड़के जो युवा थे वो अपने वाहनों से आए, वे पहाड़ पर चढ़े, तब तक बरसा बिल्कुल शांत हो गई। वे पुकारने लगे, मुनिराज कहां है, कैसे है, हम लोग बाहर। मुनिराज लोग पूरे सब सामायिक कर रहे थे बाहर, तो आचार्य श्री ने पूछा आप लोग इतनी रात्रि में यहां कैसे आ गए। वे बोले हमारी मां ने भेजा है। दृष्टांत समझना क्या यहां पर बताना चाह रहे। लड़कों ने क्या कहा, हमारी मां ने भेजा है, पिता ने भेजा है। क्यों भेजा है? इसका नाम है स्नेह। स्नेह प्रेम धर्मात्मा के प्रति होना चाहिए। एक धर्मात्मा को दूसरे धर्मात्मा के प्रति जब स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, तब कहीं से कहीं कोई कहीं बैठा रहता है और उसको चिंता वहां की होती है कि वो उन पर कैसा हो रहा होगा, वो कैसे होंगे। प्रेम तो हो पर मोह ना हो। अब शब्द समझना, एक एक शब्द समझ लेना कि प्रेम तो हो पर मोह ना हो। प्रेम एक मोह रहित व एक मोह सहित होता है। एक मोह रहित प्रेम होता है और एक मोह सहित प्रेम होता है। पत्नी का पति और बच्चों के प्रति प्रेम होता है, कौन सा? मोह वाला। वह मोह की कोटी में ही गिना जाएगा उसको, अपने पति और अपने पुत्र की अपेक्षा देखा जाएगा। मात्र दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा प्रेम, दूसरों के दुख में मलम पट्टी करने की भावना जागे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। पुराने समय में गांव में ऐसे भी व्यक्ति होते थे, ज्येष्ठ बड़े होते थे, बड़े बुजुर्ग जिनको कहा जाता था, जो हमारे समाज में कोई बीमार है तो पूछते थे क्या परेशानी है, सहयोग की आवश्यकता हो तो हमें बताना,
बस इतना कह देते थे। आज का व्यक्ति सहयोग तो करता है परंतु इसके सामने फोटो खिंचवा दूसरों के सामने करता है, दूसरे को सामने वाले को दूसरे का सम्मान गिरा कर उसकी उसको बेइज्जत करते, उसको बेइज्जत करके लोग कहते हैं सहयोग सभा में देंगे, अकेले में नहीं देंगे, घर पर आकर अलग से नहीं देंगे, सभा में देंगे, फोटो खिंचवाएंगे और कहेंगे इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, कुटुंब परिवार ने सहयोग नहीं किया इसलिए इन्हें धन दे रहे हैं। क्या किया आपने? वह परिस्थिति से दुखी है, आपका सहयोग घाव में नमक का काम करता है। उस समय जो आपने सहयोग किया है वो सहयोग मलम का काम नहीं करेगा। हम अपने विवेक को जगाएं, इसने वास्तव हृदय में रखते हुए दूसरे का सहयोग करें। सहयोग करने के लिए मना नहीं है, सहयोग करें लेकिन वास्तव रखकर करें। सामान्य व्यक्तियों की तरह भोजन कराया तो क्या कराया? आप तो खाना खाकर आए हो ना, सज्जन प्रकृति के व्यक्ति नहीं भी खाकर आए होंगे तो यही कहेंगे हाँ खाकर आए हैं। बिल्कुल आप उससे बोले आप तो खाना खाकर आए होंगे, हाँ जी खाना खाकर आए, अगर नहीं भी खाके आए तो क्या कहना पड़ेगा? हाँ जी नहीं खाके आए। जहाँ ऐसा व्यवहार किया जाता है खाना खाओगे क्या? भिजवा देता हूँ, वहां चले जाना, अमुक की घर चले जाना और वहां तक पहुंचा जा, वहां तक पहुंचा, जहां पहुंचे उसने भी कह दिया कि अमुक को नहीं जानता हूं, मैं तो उसको जानती नहीं हूं। तो आपका ये व्यवहार प्रेम नहीं कहलाया, वो प्रेम नहीं कहलाया। आप क्या कोई अतिथि आया है, कोई बाहर से आया है और वो आपके घर बैठा हुआ है, आपने उससे पूछ लिया कि भाई आपका खाना तो हो गया, खाना तो हो गया, तो क्या बोले खाना तो हो गया? आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो खाना हो गया? अब वो बेचारा भूख तो लग रही थी, उसने कह दिया नहीं हुआ, उसने कह दिया नहीं हुआ, अच्छा अच्छा खाना तो खाओगे फिर बता। जब सामने वाला कह रहा है कि नहीं हुआ खाना और फिर भी क्या पूछ रहे, खाना तो खाओगे फिर? अच्छा अच्छा मैं बोल दे रहा हूँ यार, उनको बोल देता हूँ, मंत्री जी को फोन लगाया, मंत्री जी वो दो तीन मेहमान आए हुए हैं और उनको खाने की व्यवस्था करनी है, ठीक है भैया। मंत्री जी ने दूसरे को फोन लगा दिया, ओ फलाने फलाने व्यक्ति आए उनको भोजन की व्यवस्था करवा दो। बोले हाँ, जब तक वो अपने जो मेहमान है वो बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं। ये प्रेम है, दिखाने का प्रेम है, दिखावे का प्रेम नहीं, ये दिखावे का प्रेम प्रेम नहीं है। अपन आदर के साथ भोजन कराएं। अगर शादी होती थी, विवाह होता था तो विवाह में पूरे नगर के लोगों को बुलाया जाता था, अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाता था, और जब रिश्तेदारों को बुलाया जाता था तो उनको पंगत कराई जाती थी, बिठाना जाता था लाइन से। पहले तो टाट पट्टी होती थी, ऐसी टाट पट्टी बिठाते थे और नीचे पत्तल में भोजन कराते थे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा तो फिर वो चौकोर टेबलें आने लगी थी, टेबल में चार कुर्सी लगा दी और चार लोग बैठ गए एक टेबल पर और चार लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे। फिर और स्टैंडर्ड बढ़ गया, अब तो पूछो ही मत, वो रखा उठा लो खा लो, क्या रखा वो रखा उठाओ और खाओ, ऐसी जिंदगी हो गई। क्या बैठ के आदर के साथ सम्मान के साथ कराया जाता था, और जब अपने परिवार किराए के नहीं बुलाए जाते थे, किराए के लोग नहीं बुलाए जाते थे, अपने परिवार के लोग उनको पर्स कर देते और प्रेम से खिलाते तो क्या कहते थे, एक बार ले लो भैया, एक बार ले लो मीठा ले लो, थोड़ा सा मीठा चौड़ चावल ले लो, चाचा जो तो ले लो थोड़ा सा वो ले लो ना, ऐसा कहते। पर अब तो कोई वास्तव है ही नहीं है, कोई वास्तव नहीं है, इसलिए वो खाने में आनंद भी नहीं है। अपना आदर के साथ आपने अगर भोजन कराए, रूखा भोजन भी क्यों ना हो, प्रेम से कराया गया है तो वह भोजन स्वादिष्ट होता है। और अनादर से खिलाई गई खीर पूड़ी, अच्छे पकवान, वो भी व्यंजन भी अच्छे नहीं लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम व्यवहार श्रेष्ठ है। कभी ने यहां पर यही भावना भाई है कि सर्वत्र क्या फैले, प्रेम फैले, प्रेम फैल जाए सारा संसार प्रेम भाव से युक्त हो जाए, परंतु मोह हो
आत्मा का अहित करता है। जो मोह सहित प्रेम है वो आत्मा का अहित करता है, वह दूरी बना रहे हैं। कैसा रहे? दूरी बना रहे। प्रेम उदारता का सूचक है, जबकि मोह में संकीर्णता है। प्रेम में विशुद्धि अंश जगते हैं, जबकि मोह विशुद्धि का विनाश करता है। प्रेम आत्म शक्ति को उद्भूत करता है और मोह आत्मा की शक्ति को छीन कर देता है। इसलिए सारे संसार में क्या फैले? प्रेम की सुगंधि तो फैले, परंतु मोह जाल ना फैले। प्रेम भी करो तो मोह से रहित होकर प्रेम करो। आपका हर जीव के प्रति प्रेम होगा, आपका हर जीव के प्रति स्नेह होगा, आपका हर जीव के प्रति करुणा दया वात्सल्य होगा, और तब आपका ये पंक्ति पढ़ना आपके जीवन में सार्थक होगा जो आपने पढ़ी। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। इसी की व्याख्या और आगे जानेंगे। आज का समय हुआ, आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय।